आरडी मुंडा के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ के देवड़ी गांव में 1939 में हुआ। मेरा नाम गुंजल लिखित मुंडा हुआ। मैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा का इकलौता पुत्र हूँ। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एक सेंटर है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए, उनका व्यक्तित्व तो छोटा सा सेंटेंस में हम समेट नहीं सकते, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो उनको बाकी जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठित लोग या बड़े लोग से अलग करती है, जो हम देखें कि वो जो बड़े और छोटे लोग से जो बात करते थे वो मतलब लगभग दोनों से बराबर ही बात करते थे। ऐसा नहीं कि कोई गांव का आदमी या देहाती आदमी आ गया तो उसे एकदम नीच दृष्टि से देखना है, वैसा कभी नहीं था। इसीलिए वो मतलब गांव का अखाड़ा में भी उतना ही सहज महसूस करते थे और शायद अमेरिका का बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान होटल वगैरह में भी लोगों से बात करते थे तो उतना ही सहज महसूस करते थे। जब वो वाइस चांसलर थे तो अपना कुर्सी खुद साफ करते थे, इन्हें कि दूसरा मेरा कर्मचारी आके साफ करेगा, तो बोलते थे कि चूंकि बैठना हमको इसी में है तो दूसरा क्यों साफ करेगा, हमको खुद साफ करना है। तो ये सब बातें उनको बाकियों से हमको लगता है अलग की और बहुत अच्छा एक सीख दिया सबको। डॉक्टर रामदयाल मुंडा न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाज शास्त्री और आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, बल्कि वे एक अप्रतिम आदिवासी कलाकार भी थे। उन्होंने मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी, अंग्रेजी में गीत कविताओं के अलावा गद्य साहित्य रचा। किताबें तो ढेर सारी लिखी है, लगभग हमको लगता है किताब और सारे जो पेपर मिला के हमको लगता है लगभग 50 के करीब है। उसमें कुछ कुछ बहुत प्रसिद्ध हुए, आदि धर्म किताब है वो बहुत मतलब उसको तो पूरा अभी पूरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में आदिवासियों का एक रिलीजन का एक अच्छा किताब के रूप में उसको देखा जा रहा है। उसके अलावा सैलद किताब है जो मुंडारी पोइट्री में है, उसके पहले में उसमें और कुछ नागपुरी की कविताएं भी है, तो ये किताब बहुत फेमस हुई। उसके अलावा पिताजी का जो भाषा विज्ञान में खासकर ऑस्ट्रोएशियाटिक जो मुंडा भाषा समूह है उसमें काम हुआ, तो मुंडारी व्याकरण उनका बहुत प्रसिद्ध है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में है। उसके अलावा एक किताब बहुत प्रसिद्ध है झारखंड के बारे में, आदिवासी अस्मिता और झारखंडी अस्तित्व, नहीं आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, तो ये बहुत कुछ गिने चुने किताबें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा बहुत कुछ लिखे हैं। उनकी संगीत रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई और झारखंड की आदिवासी लोक कला विशेषकर पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाई। वे भारत के दलित आदिवासी और दबे कुचले समाज के स्वाभिमान थे और विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने में उनका अहम योगदान रहा। सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र और संगीत की अच्छी पकड़ थी, मतलब किस तरह से जो मतलब पारंपरिक संगीत में नवीनता को ढाला जाए कि पारंपरिक भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे, वो उनको बखूबी मालूम था। तो उनकी संगीत में, उनकी रचनाएं में वो सब दिखता है कि एक परंपरा और एक नवीनता का सम्मिश्रण एक सा दिखता है उसमें। एक सफल शिक्षक और संस्था निर्माता के रूप में अपने काम के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन अथक श्रम, संघर्ष और अतुलनीय योगदान किया।